भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में 81,000 करोड़ का ऋण दिया है, परंतु कर्ज की तुलना में विकास देखें तो आपको समझ आएगा कि ये सरकार एक भी उल्लेखनीय विकास के कार्य बताने की स्थिति में नहीं है। लोगों को लगता है कि सारे पैसे इनके लोक लुभावने बड़ी योजनाओं में खर्च हो रहे हैं, परंतु ध्यान से समझा जाए तो ऐसा नहीं है। अगर आप हिसाब करने बैठे तो आपको सिर्फ घोटाले ही घोटाले नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार, कर्जे पे कर्जा लिए जा रही है ये सरकार, अभी तक लगभग 81,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है। छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति पर 33,000 रुपए का कर्ज है और बार बार ये सरकार आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार से हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं। मोदी जी की सरकार आने के बाद से अभी तक कर के रूप में, हिस्से के रूप में हमको 85,000 करोड़ रुपए और ग्रांट के रूप में 71,681 करोड़ रुपए, अगर कुल देखेंगे तो 1,56,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से टैक्स और ग्रांट के रूप में मिल चुका है। परंतु उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है? अगर हम पूरे भूपेश बघेल की सरकार के जितने भी काम देखेंगे, 2020 में 5,553 करोड़ रुपए का बोनस दिया, 2021 में 7,028 करोड़ रुपए का बोनस दिया, 2022 में 1,894 करोड़ रुपए का बोनस दिया, कुल हम मिला लेंगे तो 20,102 करोड़ रुपए का बोनस पूरे प्रदेश के किसानों को मिला। बड़ी बड़ी बातें भूपेश बघेल जी करते हैं कि हमने कर्जा माफ कर दिया, अगर उसकी राशि को भी जोड़ेंगे तो 6,100 करोड़ रुपए, वो भी शॉर्ट टर्म लोन को माफ किया, लॉन्ग टर्म लोन को माफ नहीं किया। नेशनलाइज बैंक है, उनके कर्जों को इन्होंने माफ नहीं किया। अगर 3.5 लाख लोगों से 458 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा है, बेरोजगारी भत्ता, 18 लाख नौजवान छत्तीसगढ़ में रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड हैं और उसमें से सिर्फ 1 लाख बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा है, और वो भी कितना भत्ता दिया गया, 48 करोड़ रुपए, और बड़ी बड़ी ढींगे हाँके जा रही हैं। तो छत्तीसगढ़ को कर्ज लेकर घी पीना, और कर्ज भी इसलिए ले रहे हैं कि सिर्फ उनको भ्रष्टाचार करना है। अगर इन टोटल अगर हम मान लेंगे तो ये पूरा खर्च 4.5 साल का अगर हम मिला लेंगे तो ये 27,000 करोड़ रुपए का खर्च और 81,000 करोड़ का कर्ज ले चुके हैं। भूपेश बघेल की सरकार को इस बात की चिंता नहीं है कि सरकार के खजाने में पैसे जमा हो, उनको चिंता है तो उनके कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के मंत्रियों के जेब में कितने पैसे जाएं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की ये जो सरकार है, भूपेश बघेल जी को सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री बनाकर रखा गया है कि कांग्रेस के खजाने में कितने से ज़्यादा पैसा भर सकते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जेब में कितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ियों की हालत तो नहीं सुधर रही है, जब 2023 में चुनाव आएगा तो जनता देखेगी कि गाँव में सड़क नहीं है, गाँव में बिजली नहीं है, गाँव में पानी नहीं है, गाँव में रोजगार नहीं है, नई स्कूलें नहीं खुल रही हैं, नए कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, तो जनता इसका जवाब देगी। और छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोने वाले, छत्तीसगढ़ को विकास से कोसों दूर ले जाने वाले ऐसे मुख्यमंत्री जी को, ऐसी कांग्रेस पार्टी को जनता सबक सिखाएगी।